कोणार्क अपना शहर अपनी बातें। कोणार्क अपना शहर अपनी बातें के न्यूज चैनल पर कई बार ये खबरें दिखाई जाती हैं कि उल्हासनगर में रस्तों की हालत खस्ता है। उल्हासनगर 3 व 4 को जोड़ने वाली उड़ान पुल, वहां पर भी रस्तों की खस्ता हालत थी। वहां पर टेम्पररी मरम्मत का काम किया गया है, लेकिन हमारा ये मानना है कि यह राहत कार्य सिर्फ टेम्पररी है। हमारे न्यूज चैनल के पास इस पर क्या रिपोर्ट तैयार है, आइए देखते हैं। काफी दिनों से उल्हासनगर शहर के नागरिक परेशान थे शहर के खराब रास्तों के कारण, लेकिन कहीं ना कहीं शहर भर के रास्तों की अगर अब हम बात करें तो उल्हासनगर महानगर पालिका द्वारा शहर भर में टेम्पररी मरम्मत का काम किया गया, यानी कि शहर भर के रास्ते जो खराब अवस्था में थे उनका डामरीकरण किया गया, जिसे हम टेम्पररी काम ही कहेंगे क्योंकि ये काम कहीं ना कहीं 1-2 महीने में फिर से खराब हो जाता है। लेकिन कहीं ना कहीं अच्छी बात भी है क्योंकि टेम्पररी ही क्यों ना हो, उल्हासनगर शहर के नागरिकों को अच्छे रास्ते इस्तेमाल करने में मिल रहे हैं। इस वक्त हम मौजूद है उल्हासनगर 3 के उड़ान पुल में, जो ब्रिज जो है उल्हासनगर 3 से लेकर उल्हासनगर 4 को जोड़ता है उस ब्रिज पर है। ये ब्रिज काफ़ी खस्ता हालत में था, इसका जो रास्ता था ये जो कनेक्ट करता था वो रास्ता तक खराब अवस्था में था, यानी कि गड्ढे थे इस रास्ते पर। लेकिन अभी उल्हासनगर महानगर पालिका द्वारा इस रास्ते का काम किया गया है, इस रास्ते का डामरीकरण किया गए। हम आपको ये भी बताना चाहते हैं कि कुछ महीनों पहले कोणार्क न्यूज़ द्वारा ये न्यूज़ दिखाई गई थी कि किस तरह यहाँ पे रास्ता खराब होने के कारण वाहन चालक और यहाँ के नागरिक परेशान है, लेकिन कहीं ना कहीं उल्हासनगर महानगर पालिका द्वारा राहत कार्य किया गया जो कि टेम्पररी है।